मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में नाबालिग मासूम की मौत होने पर नाराज ग्रामीणों ने आक्रोश दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी दर्ज कराई। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने मासूम की मौत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का प्रकरण दर्ज करने का दबाव बनाते हुए पुलिस टीम पर जमकर पत्थर बरसाए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वहीं मामला गरमाते देख पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर आदिवासी नेता कमलेश टोडियार सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद बलवा और शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया है। कल दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास पुलिस थाना सरवन पर यह सूचना मिली थी कि सरवन के गांव में एक नाबालिग बच्ची ने जहर पी लिया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर थाने मौजूद थे। लोग आए, उन्होंने देखा तो लड़की मतलब मूर्छित हालत में थी, उसको तत्काल इन्होंने अस्पताल पहुँचाया जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। इसमें जब पुलिस ने तस्दीक किया तो ये पता चला कि ये बच्ची जो है ये मूलतः बाजना थाना अंतर्गत की रहने वाली है। इसके परिजनों को सूचना दी गई, परिजन लगभग 3:30 बजे के आसपास थाने पहुँचे। वहाँ जाने के बाद इन लोगों का कहना था कि बच्ची जो है 30 तारीख को स्कूल जाने का बता के घर से निकली थी, उसके बाद ये घर नहीं लौटी। इन लोगों ने थाने में सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि लड़की कई बार सरवन में उसके गांव के ही एक मास्टर साहब हैं जिनके यहाँ रुक जाया करती थी, तो इसलिए इनको लगा कि हो सकता है वहाँ रुकी होगी, इसलिए उन्होंने सूचना नहीं दी। उसके बाद फिर परिजन आए, उन्होंने उनके सामने पुलिस ने जब शव का पंचनामा कराना चाहा तभी वहाँ पर कमलेश जोड़ियार और इसके अन्य साथी लगभग 100 की संख्या में थे। ये लोग जो लोग पहुँचे उन्होंने उनके परिजनों को उकसाया कि हम लोग जब तक 302 और 376 का मामला कायम नहीं होगा तब तक हम लोग शव का पंचनामा नहीं कराएंगे और पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। इस बारे में उनको समझाया गया कि भाई बच्ची को किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई भी जहरीला चोट नहीं है और ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मृत्यु के कारण क्या है और इसके साथ दुष्कर्म हुआ है या कि नहीं हुआ है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। जब इसमें लगभग उन्होंने पुलिस डेड बॉडी को और पुलिस को रात में 10:30-11 बजे तक रोक कर रखा जाने नहीं दे रहे थे ये, क्योंकि हॉस्पिटल से फिर पुलिस ने डेड बॉडी को परिजन पुलिस के फेवर में थे, परिजन चाह रहे थे कि डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम के बाद जैसे तथ्य आते हैं वैसी कार्रवाई हो। इसी बात पर परिजनों की मदद से पुलिस जब डेड बॉडी लेके वहाँ से रवाना हुई तो कमलेश डोडियार और उसके साथियों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया, इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने भी फिर जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े जिसमें फिर वहाँ से भीड़ तितर बितर हो गई और उसमें पुलिस ने जो लोग भी थाने पर कल उपद्रव किया जिन लोगों ने उनके खिलाफ एक मामला पंजीबद्ध किया है जिसमें बलवा, शासकीय काम में बाधा और शासकीय संपत्ति को नुकसान और शासकीय कर्मचारियों पर पथराव आदि धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 3 लोगों को पुलिस ने राउंडअप भी कर लिया है जिसमें कमलेश डोडियार, उसका साथी प्रकाश निनामा और गोविंद निनामा, इन लोगों को राउंडअप किया है और इसमें जो बच्ची है मृतिका उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया जा रहा है जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। जैसे ही तथ्य आएंगे उसमें जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। इसमें JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।